कैसी है अब राजू श्रीवास्तव की तबीयत? इलाज और दुआओं का कितना असर? इलाज कर रहे डॉक्टरों ने अब क्या कहा? पिछले काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि अब करोड़ों लोगों की प्रार्थनाओं का असर राजू की हालत पर दिखने लगा है। एम्स डॉक्टर्स की माने तो राजू श्रीवास्तव 80-90% ऑक्सीजन खुद ले रहे हैं। एक मीडिया हाउस से बातचीत में राजू के भाई ने बताया कि अब राजू की हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है। यही कारण है कि डॉक्टर्स आज या कल राजू श्रीवास्तव को वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाने का फैसला ले रहे हैं। मालूम हो लेकिन 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद से लगातार उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। हालांकि अब डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत में पहले से काफी सुधार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली एम्स में एसओडी डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव और डॉक्टर अचल श्रीवास्तव की देखरेख में राजू का इलाज चल रहा है। रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी दी गई है कि अब राजू की पूरी बॉडी सही तरीके से काम कर रही है, लेकिन 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद से उन्हें होश नहीं आया है। करीबी रिश्तेदारों का कहना है कि दिन रात राजू को होश में लाने की कोशिश कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि अभी कॉमेडियन को होश में आने में 10 दिन या इससे ज्यादा का समय लग सकता है। वहीं राजू के परिवार वालों से लेकर उनके फैंस तक हर कोई उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राजू के दिल्ली स्थित घर पर 5 पंडित महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजू की अच्छी सेहत के लिए 125,000 बार महामृत्युंजय जाप किया जाएगा। इससे पहले 7 दिन तक रोजाना रुद्राभिषेक किया जा रहा था। खबरों की माने तो कॉमेडियन की सेहत में हो रहे सुधार को देखते हुए डॉक्टर्स ने कुछ देर के लिए मंगलवार को वेंटिलेटर सपोर्ट हटाया था, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रख दिया। इससे पहले भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए 2 बार वेंटिलेटर हटाया जा चुका है, लेकिन अब जब से राजू 90% ऑक्सीजन नेचुरली ले रहे हैं, तब से डॉक्टर्स पूरी तरह से वेंटिलेटर सपोर्ट हटाने पर विचार कर रहे हैं। गौर हो कि राजू श्रीवास्तव की तबीयत को लेकर लगातार कई तरह की अफवाहें भी उड़ी। इसे परेशान होकर राजू श्रीवास्तव की वाइफ शिखा ने सभी से गुजारिश की थी कि इस मुश्किल समय में चिंता ना बढ़ाएं, बल्कि कॉमेडियन के लिए प्रार्थना करें ताकि वो जल्द ठीक हो जाएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।